भैया है उसके पास कि महारानी के हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद था। सात 21 और 0। तीन 10 17। आज रमन के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं, पर मुझे अपने हर सवाल के जवाब को ढूंढना है। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है जयदेव? पंडित जी, सभिया से मिलने एक औरत आई है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सामने हाजिर करूं। हमारी इजाजत के बिना सभ्या किसी से नहीं मिल सकती है। इस आदेश के तहत क्या तुमने इस और की तफ्तीश की है? जी हाँ। कौन है ये? अपने आप को सभ्या की सहेली बताती है। कहाँ से आई? सभ्या के गांव से। चाहती क्या है? मैं उस सभ्या का हाल पूछना चाहती हूँ। इस औरत को कैसे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? पंडित जी, वो तो कुछ और ही कह रही है। क्या? वो कह रही है कि पिछले महीने जब सभ्या अपने गाँव गई थी तो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, और उस दौरान उसकी याददाश्त वापस लाने में इसने उसकी काफी मदद की थी। बस दोनों में बहुत घनिष्ठता हो गई उस दौरान। क्या देव, इस औरत को फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आ गया पंडित जी। हमारे सवाल का जवाब मिल गया, हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया। गांव सभ्य नहीं गई, बल्कि ये जालसाज औरत ये फरेबी अंबा गई थी गांव। सभ्या की सहेली? जी। क्या नाम है तुम्हारा? केसरिया। केसरिया, सभ्या से तुम्हारी मित्रता कितनी पुरानी और कितनी लंबी है? हमारी मित्रता तो इतनी गहरी और इतनी लंबी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के हर लम्हे, हर जज्बात, हर पहलू से पूरी तरह से वाकिफ है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तुम्हें सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती? क्यों? और ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ उसका हालचाल पूछने। वो मेरी सहेली है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैंने कहा ना तुम उसे नहीं मिल सकती। अगर ऐसी बात है तो मुझे सभ्या से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत तो तुम तब करोगी जब तुम सभ्या से मिलोगी, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जाने दीजिए मुझे। अगर तुम अपनी और अपनी सहेली की खैर चाहती हो तो बेहतर यही है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, और तुम्हारे पास मेरी धमकी के आगे सर झुकाने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। मेरे सिपाही चाहें तो तुम्हें यहाँ से हिलने तक भी ना दें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो, और ये भी जान लो कि चुनारगढ़ में झूठ बोलने वाले की जबान काटी जाती है। आप चाहे मुझे कितना भी डरा ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारी ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी केसरिया। मुझे इसकी परवाह नहीं। अपनी सहेली की तो परवाह है तुम्हें, या वो भी नहीं? उसी की परवाह करके मेरी बातों का जवाब दो। पूछिए जो कुछ भी पूछना है आपको। काफी समझदार हो तुम। अब इसी समझदारी का सबूत देते हुए मुझे ये बताओ, अच्छी तरह से याद करके बताओ कि सभ्या की याददाश्त कैसे खो गई थी। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है आपने, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब गांव में आते ही सभिया हमेशा की तरह सबसे पहले मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद हम दोनों नदी पर नहाने के लिए गए, वहां पत्थर पर से पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर पड़ी, उसके सर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब? जब उसे होश आया तब वो अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करने लगी। बहकी बहकी बातें मसलन? मसलन कि जैसे वो मुझे नहीं पहचान सकी, अपने आप को नहीं पहचान सकी, वो अपना गांव, घर, बस्ती, कूचा किसी को भी नहीं पहचान सकी। तब तुमने क्या किया? उसके बाद मैंने उसे चुनारगढ़ की याद दिलाई, महारानी कलावती की याद दिलाई, लेकिन वो सब कुछ भी भूल चुकी थी सभिया। और तब मेरे दर्द भरे दिल को ये एहसास हुआ कि मेरी प्यारी सहेली अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी है। उसके इलाज के लिए तुमने महल से किसी हकीम या वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? मेरे पिता खुद एक वैद्य हैं, उन्हीं की औषधि के साथ साथ
मैंने भी सभिया की याददाश्त फिर से वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। कैसी कोशिश? जैसे कि उसके दिमाग से सोए हुए तारों को इस तरह से छेड़ा कि वो फिर से जाग उठे। ऐसा करने के लिए क्या किया तुमने? सभिया की जबानी मैं सभिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब कस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से कर। सभिया की जबानी मैं सभिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब कस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। यानी कि तुमने उसे उसकी जिंदगी का हर वो अहम वाक्य सुनाया जिसे सुनकर उसके दिलो दिमाग को एक ऐसा सदमा लगा कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई। हाँ, वो वाक्य क्या थे? वो ये कि जैसे कि उसके कक्ष में हुए जहरीले दागों का वो हादसा जो मैं जानती थी कि उसके दिलो दिमाग को जरूर झंझोड़ेगा। और जब मैंने उसे सुनाया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। और क्या बताया तुमने उसे? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि सभिया महारानी कलावती को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, इसलिए मैंने उसे उनके कत्ल की वो साजिश भी सुनाई जिसमें उनकी औषधि पर वनचंपा फूल का इस्तेमाल किया गया था, और इस वाकये का तो मैंने अपने बयान के जरिए उसकी आंखों के सामने एक जीता जागता चित्र सा खींच दिया। महारानी, सभी अब फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि एक बार रोते रोते फिर से बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, सभिया फिर से ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी थी। नहीं केसरिया, सभिया अभी भी खोई हुई है, अभी तक खोई हुई है सभिया, मगर यकीनन अब वो वापस मिल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल जाएगी। तो क्या अब मुझे सभिया से मिलने की इजाजत मिल सकती है? फिलहाल नहीं, जब तक मैं लौट के ना हूं तुम्हें मेरे कक्ष में रहना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं तुम वहां महफूज रहोगी। तभी और इसी वक्त चुनारगढ़ लौटेगा। चुनारगढ़ पहुंचकर वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि इस पहलरूपिये को अपने तहखाने में कैद करके इसका वो हश्र करेगा, वो हश्र करेगा जो अभी तक किसी का ना किया गया हो।
रोज शिव तक खुद इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नौकर भेजेगा, ताकि वहां के लोगों को यह एहसास हो ऐसे मेहमानों की चुनारगढ़ में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। वाह महाराज वाह, ऐसी सजा तो मेरे इस यक दिमाग में भी नहीं आ सकती थी। अब यकीनन नौगढ़ के महाराजा सुरेंद्र सिंह को आपकी हर शर्त माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी क्रूर सिंह, जब खून तपकाती हुई इसकी एक एक उंगली नौगढ़ पहुंचेगी तो कहां उठेगा नौगढ़, कहां उठेगा इसका पिता जीत सिंह, वहां पर राजा सुरेंद्र सिंह और इसका चक्री दोस्त सुरेंद्र सिंह। एक शब्द भी सभ्या के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। एक शंका का समाधान होता नहीं है कि आप दूसरी शंका उठा लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं आखिर आप सभ्या के पीछे इस कदर क्यों पड़े हुए हैं, जिसे हम तहे दिल से अपना मानते हैं। क्यों पेश करते हैं इस तरह की दलीलें, जिसे हमारे और सभ्या के बीच में गलतफहमी के शोले इस तरह भड़के, जिससे हमारा सुख चैन हमारा वजूद सब कुछ जलकर राख हो जाए। क्यों सब कुछ जल के राख ना हो जाए, इसीलिए तो मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूं, लेकिन आपकी निष्पाप आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं कि वही आग आपके दामन तक आ पहुंची है। महारानी, अगर इस आग को अभी और इसी क्षण नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटों में आपका संपूर्ण अस्तित्व तक जल उठेगा। महारानी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, चिंता करिए उस ठोस सबूत की, जिस सबूत के साथ ही आप सभ्या के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और यह हमारा आदेश है। मेरी ऐसी औकात कहां महारानी कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं। महल में मौजूद सभ्या के खिलाफ मेरे हाथ एक ठोस सबूत लग चुका है महारानी। क्या सबूत है आपके पास? एक जीता जागता सबूत जिसका नाम है केसरिया। केसरिया? जी महारानी, केसरिया सभ्या की बहुत ही करीबी सहेली है और उसके पास सभ्या के खिलाफ हर वो सबूत मौजूद है जिसके हमें तलाश थी। हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा सबूत लाई है वो, जिसके कंधे पर चढ़कर आप ये कहना चाहते हैं कि महल में मौजूद सभ्या सभ्या नहीं है। महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना ये है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गाँव गई थी, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना ये है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गांव गई, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। महारानी, इस औरत का कहना ये भी है कि उसकी याददाश्त वापस दिलवाने के लिए एक अच्छी सहेली होने के नाते उसने उसे सभ्या के जीवन की हर घटना हर वारदात की जानकारी दी। और सबसे ज्यादा काबिले तारीफ बात तो ये है महारानी कि ये सारी जानकारी प्राप्त होते ही उसकी याददाश्त उसे वापस मिल गई। क्या ये सबूत काफी है महारानी? और अगर ये सबूत काफी है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करें। नहीं, कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट कर नहीं आता, ये हम भी जानते हैं और आप भी। इससे पहले कि हम कोई फैसला करें हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? हमारे कक्ष में। आइए आइए, देखिए महारानी, यही है वो सबूत, यही है वो औरत केसरिया। महारानी, हमारी हर उलझी हुई पहेली का जवाब यही है। केसरिया, 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 जयदेव, बलवंत, महेश, कोई है? कैसे हुआ ये? मैं पूछता हूँ ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं पूछता हूँ ये मुमकिन कैसे हुआ? इतने सख्त और कड़ी पहरे के बावजूद इसकी हत्या किसने की? महारानी, महारानी, मुझे अफसोस है कि मैं एक बार फिर हार गया।
उस फरीबी औरत ने मेरे हाथ हैजीत मुझसे छीन करे एक बार फिर मुझे मार दे दी। महारानी, महारानी देखिए, देखिए इसके चेहरे को, इसके नीले पड़ते शरीर को देखिए महारानी, इसके चेहरे के निशान, इसका नीला पड़ता हुआ शरीर, चीख चीख कर कह रहे हैं महारानी कि इसकी मौत किसी विष्कन्या के काटने से हुई है। विष्कन्या? हाँ महारानी, विष्कन्या, और ये विष्कन्या और कोई नहीं बल्कि आपकी मुंह बोली बहन, महल में मौजूद सभ्या है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता महारानी। आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सभ्या ही विष्कन्या है? क्योंकि मैं ये जानता हूं महारानी, मैं इस बात को समझता हूं और वक्त आने पर आप भी समझ जाएंगे। ठीक है पंडित जी, जब हम इस बात को पूरी तरह समझ जाएंगे तभी हम सभ्या की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ये दलीलें किसी मकाम पर जाकर गलत साबित हुई तो हम सभ्या पे की गई ना इंसाफियों का कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपके कहने के मुताबिक हम कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। महारानी, झूठ और फरेब के बादलों का सीना इतना मजबूत नहीं होता कि सच के सूरज की रोशनी उसे चीर न सके। मुझे उसी रोशनी का इंतजार है महारानी, और वो रोशनी है मल्लमगढ़ में जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई असली सभ्या। कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा ने वो जादू कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। जाओ फौरन पंडित जगन्नाथ को यह खबर दो, अब तुमसे वो सब कुछ पूछ सकते हैं। ग्यारह चार पांच शून्य, फिर वही शून्य। ये क्या हो गया मेरे डबल को, उतर क्यों नहीं देता? ये तीन सात आठ एक शून्य, फिर वही शून्य। अरे मेरी पराविद्या, मेरी रमशक्ति, मेरी मदद कर, मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं साबित कर सकूं कि महल में मौजूद सभ्या सभ्या नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल फरेबी अम्बा है। मेरी मदद कर। छह सात आठ नौ आठ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इसी सभ्या को होश में आने से पहले इस नकली सभ्या ने महारानी कलवती की हत्या कर दी तो कयामत हो जाएगी। महारानी तो इस नकली सभ्या की माया के कोहरे में फंस के अटक गई हैं। मेरी किसी बात पर उन पर कोई असर नहीं होता, मेरी हर चेतावनी को नजरअंदाज करती हैं वो। प्रभु अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। प्रभु प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। वल्लभगढ़ से आपके लिए संदेशा आया है। कैसा संदेशा पंडित जी? वो औरत जिसे आप और महारानी कलावती वल्लभगढ़ में बाबा पुष्करनाथ के पास इलाज के लिए छोड़ाए थे उसे होश आ गया है। उसे होश आ गया? सभ्या को होश आ गया? सभ्या जीवित है, सभ्या बच गई। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। मुझे फौरन बल्लमगढ़ जाने का इंतजाम करना चाहिए, महारानी कलावती को भी खबर करना जरूरी है। प्रणाम महारानी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। क्या बात है पंडित जी? महारानी बल्लमगढ़ से अभी अभी खबर आई है कि बाबा पुष्करनाथ ने उस सभ्या को मौत के आगोश से छीन लिया है। ओह, तो आपकी सभ्या बच गई पंडित जी, ये तो आपके लिए कुदरत का करिश्मा हुआ। करिश्मा तो अब होगा महारानी, बाबा पुष्करनाथ के जरिए अब हमें वो कीमती सबूत हासिल होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि असली सभ्या कौन है और नकली सभ्या कौन है। हाँ, अब वो वक्त आ गया कि इस बात का फैसला हो जाए कि